हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले नीट 2024 को क्रैक कैसे करें। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में, साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये सारा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन रहता ही है कि नीट 2024 को क्रैक कैसे करना है। अब देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपने नीट 2023 के टॉपर जो है उनसे बातचीत की होगी या तो उनके इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पे मिल गए होंगे, एंड अगर उसको उनको अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने जो कुछ बताया ना उन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फॉलो करो। एंड आपने अगर आप मतलब अगेन दे रहे हो, या जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिपीट देते हैं, मतलब बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वो फिर से देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने जो मिस्टेक्स पिछली बार की थी आपको अभी दोहरानी नहीं है, वो अब आपको करनी नहीं है। जो मिस्टेक्स आपने पिछली बार की उनको आपको करना नहीं है। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट से लेकर जिन्होंने भी जॉब नीड देने वाले 2024 को। सबसे पहले वाली बात दोस्तों, आपका अपना आप टाइम टेबल, खुद का टाइम टेबल बनाना है, खुद का शेड्यूल बनाना है, एंड उस शेड्यूल के हिसाब से आपका क्या होता है। अब देखो ये जो ग्राफ्स दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, उस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। हम दो दिन दो चार दिन तो ऐसा पढ़ाई करते हैं, बीच में हमको जोश आ जाता है और हमारा जो भी मतलब रिच होता है ना, जैसे कि आप बोल सकते हो हमारा इंप्रेशन, इस तरीके से डाउन हो जाता है, इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है खुद डाउन हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हमारी कमजोरी होती है कि पहले पहले हम तो बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं, पहले दिन हम इनडायरेक्टली 2 घंटा पढ़ लेते हैं या तो 15-16 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन बीच में हमारा ग्राफ जो है डाउन हो जाता है एंड हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, जैसा आपका शेड्यूल होगा उसी तरीके से आपको कंफर्टेबली कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। एंड उसको जो आप पढ़ रहे हो, क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। अब जो पढ़ रहे हो वो पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसका रिवीजन ही नहीं करते। पढ़ लिया, ठीक है, मेरे माइंड में खुद बहुत कॉन्फिडेंस, उनको अल्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस की वजह से कॉन्फिडेंस से अच्छी बात है, लेकिन अल्ट्रा कॉन्फिडेंस होना, वो ज्यादा ही कॉन्फिडेंस होता ये बहुत गलत बात है दोस्तों। क्या करिए, अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन करती थी। अगर देखो आपने पढ़ा है तो हफ्ते बाद या तो 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद या 1-1.5 महीने बाद आप इसका रिवीजन करने की आदत कर लो। क्योंकि क्या होगा, अब जब आप रिवीजन करोगे आपको उसकी आदत रहती चलेगी। देखो हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर हम बीच में ही करें तो हमें क्या होता है, अगर हम समझो अगर आपने आज पढ़ाई की एंड कल 10-12 दिन बाद आप उसे रिवाइज करते हो, या तो उसके 2 घंटे बाद रिवाइज कर रहे थे, आपके माइंड में बैठ गया, लेकिन आप उसे डायरेक्टली 2-4 साल बाद रिवाइज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा 2-4 महीने बाद। लेकिन आप डेली रिवाइज कर रहे हो तो गारंटेड आपको जब एग्जाम में जाओगे तो फोड़ दोगे, जो क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर लिख पाओगे। एंड यही आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, यही आपकी ताकत रहेगी कि आप जो रिवीजन कर रहे हो आपको 100% आएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो वहीं पर देखो, आजकल सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल पे हर क्वेश्चन का, हर डाउट का आंसर मिलता है एंड समाधान भी मिलता है, ठीक है। और वो करके भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने टीचर्स से कॉन्टैक्ट करिए, टीचर से पूछिए। अगर आपने उस बंदे का इंटरव्यू देखा होगा, उसने बोला था कि मैं 2 साल से मोबाइल नहीं यूज़ किया, लेकिन मुझे जो कुछ भी डाउट आता था ना वो मैं इनडायरेक्टली टीचर से पूछ के सॉल्व करता था। उसी तरीके से आपको करना है, आपको आपके टीचर से कांटेक्ट करना है, जब भी आपको डाउट आता है उसी वक्त पूछ लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। टीचर आपको तो फ्री में सिखा नहीं रहा, वो तो पैसे ले रहा है, तो उसी तरीके से आपको आपके डाउट जो है वहीं पर क्लियर करवा लेने हैं। थर्ड वाला पॉइंट दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो मतलब उनको क्या होता है, एक एडिक्शन होता है मोबाइल का, वो ज़्यादातर बिजी रहते हैं मोबाइल में, इंस्टाग्राम रील देखो, या तो मतलब सभी को नहीं बोल रहा, सभी को मेंशन नहीं कर रहा मैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब 95% स्टूडेंट्स जो कि मोबाइल का मतलब नीड देने वाले मोबाइल के एडिक्टेड नहीं है, लेकिन बाकी 5% में आप आ सकते हो। तो आप अभी से मोबाइल को साइड में रख दो, मोबाइल को आप एक प्रतिज्ञा करो कि अब आपको मोबाइल नीट की पढ़ाई करें, जब तक आप नीट क्रैक नहीं करते, जब आप आईफोन लोगे तभी आप आईफोन यूज़ करोगे, आप ऐसा कुछ मतलब दिमाग में ठान लो, तब जाके आप नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आपको जब आपका शेड्यूल बनाओगे उसी की तरफ से आप, एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, 7-8 दिन के बाद, महीने के बाद, 1.5-2 महीने के बाद आपको उसके ऊपर मॉक टेस्ट देती रहनी है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपको आपका जो कुछ रिजल्ट है वो लाइव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस इसी पार्ट्स को फॉलो करो एंड आप नीट 2024 मतलब 2024 को क्रैक कर लोगे, मेरी गारंटी है एंड गारंटी के साथ। अब आपका जोश क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप नीट क्रैक करोगे ये वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे वीडियो देख ली हम यार नीट क्रैक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वीडियो देखने का मकसद सिर्फ इतना था किस तरीके से करनी है, अब आपको जल्द से जल्द मन लगा के पढ़ाई करनी है। मुझसे एक वादा करो कमेंट सेक्शन में, आप नीट 2024 को 100% क्रैक करोगे, कमेंट में बताओ करोगे या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार वीडियो में, आपके प्यार के लिए शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना।